हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड व्लॉग। अपने जूस के सेक्शन में आज हम आपको दो तरह का जूस बनाना बता रहे हैं, एक मौसमी और पाइनएप्पल का, जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और एक बता रहे हैं आपको रेड बल्ब ग्रेप और पाइनएप्पल का, और एक जूस है ये पाइनएप्पल और रेड बल्ब ग्रेप का। दो तरह का जूस है, अलग अलग। पहले बनाते हैं मौसमी और पाइनएप्पल का जूस। जूस बनाने के लिए हम सबसे पहले ये पाइनएप्पल को काटेंगे। ये बहुत कड़ा होता है काटने के लिए, और इसका छिलका हटाएंगे पहले। हाफ कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका छिलका निकाल के पीसेस में करेंगे। इस तरह आप इसका छिलका निकालिए, इसका छिलका निकाल के इसको हम पीसेस में करते हैं। पाइनएप्पल के बाद ये मौसमी का ये जो ऊपर पार्ट है, इसको हम छिलका को छील लेंगे बारी बारी से। और मेरा जो ये क्यूबिंग्स का कोल्ड प्रेस जूसर है, वो बहुत ही अच्छा है। उसमें आप बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट के रख सकते हैं, जूस बहुत आसानी से निकल जाता है। इस तरह मैंने सभी मौसमी को का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसको जूसर में डालने के लिए चार पीस में काट लेंगे। ये जूसर बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको सीड्स एक तरफ निकल जाता है और जूस आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही हेल्दी इसका जूस होता है, ज़रूर से पीना चाहिए, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सभी को हम कट कर लेंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको पाइनएप्पल एंड कैरेट दो तरह का जूस दिखाया था। आज पाइनएप्पल का दो तरह का जूस बना रहे हैं। इस तरह पाइनएप्पल को छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोनों तरह के जूस बनाने के लिए मैंने एक ही बार में पूरा पाइनएप्पल को कट कर लिया है। सभी पाइनएप्पल को मैंने काट लिया है। अब हम अपना जूसर सेट करते हैं। अब हम अपने जूसर को स्टार्ट करते हैं और इसमें पाइनएप्पल डालते हैं। पहले पाइनएप्पल डालेंगे, और फिर डालेंगे मौसमी। ये बहुत ही बढ़िया जूसर है। इससे एक तरफ आपका पल्प निकल जाता है और जितने बीज होते हैं, और दूसरी तरफ आपका जूस निकल जाता है, जिसको आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये पाइनएप्पल और मौसमी का जो जूस है, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, वेट लॉस में बहुत ये सहायक है, और आपके स्टैमिना को बढ़ाता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, इस जूस को बहुत ही अच्छा। आप चाहो तो इसमें काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के भी इसको पी सकते हो, लेकिन इसे प्लेन भी पीने में बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन लगता है। अब हम पाइनएप्पल और रेड बल्ब ग्रेप का जूस निकालते हैं। इसके लिए मैंने जूसर को रेडी कर दिया है। इसमें डालते हैं सबसे पहले पाइनएप्पल। पहले पाइनएप्पल डालेंगे। ये जूस आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और कैंसर से प्रिवेंशन भी होता है अगर आप इसको पियो तो। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट हैं, आप इसे बनाएं। और इससे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपके स्किन को बहुत हेल्दी और रेडिएंट रखता है, एकदम चमकता हुआ स्किन। अगर आप पियो, वीक में दो दिन ही पियो, लेकिन बहुत ही फायदेमंद जूस है, बहुत फायदेमंद। अब हम इसमें रेड बल्ब ग्रेप मिलाते हैं, बहुत ही अच्छा। आप इसमें नमक और काली मिर्च
मिला के मत पीना, क्योंकि ये थोड़ा मीठा होता है। इसको बिना नमक का ही ये अच्छा लगता है। ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है, जो कि आपके आज के तनावपूर्ण ज़िंदगी में आपको थोड़ा रिफ्रेश रख सके, इसके लिए ये जूसेस है। इसको आप ज़रूर से यूज़ करिए, ज़रूर बनाइए। दोनों तरह का जूस रेडी है, ये मौसमी और पाइनएप्पल का जूस है, और ये है रेड बल्ब ग्रेप और पाइनएप्पल का जूस है। रेड बल्ब ग्रेप और पाइनएप्पल दोनों ही जूस काफ़ी सेहत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत टाइम नहीं मिल पाता है हेल्दी फूड के लिए, तो आप अपने खाने में जूस को ज़रूर शामिल करें ब्रेकफास्ट के टाइम में, मॉर्निंग में। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और बच्चों को भी पिलाएं ये जूस, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप चाहो तो मौसमी और ग्रे पाइनएप्पल में थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा काला नमक डाल के पी सकते हो, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाएं, और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको मेरे छोटा सा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।